हेलो फ्रेंड, जावास्क्रिप्ट के एडवांस कंपोनेंट की सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जे चेकबॉक्स मेनू आइटम के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले देख लेते हैं कि जे चेकबॉक्स मेनू आइटम होता क्या है आखिर। तो उसके लिए मैं आपको ले चलने वाला हूँ नोटपैड में, और आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी नोटपैड का यूज़ किया ही होगा और करते होंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक नोटपैड में एक ऑप्शन होता है मेन्यू बार में फॉर्मेट, और फॉर्मेट में एक मेन्यू होता है वर्ड रैप। और वर्ड रैप का यूज़ अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ड रैप पर क्लिक करने से हमारा क्या होता है कि जो भी हमारी अगर नोटपैड में एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, ठीक है, बहुत काफ़ी लंबा टेक्स्ट है, ठीक है, तो और वो हमारा एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप वर्ड रैप पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो जितना भी टेक्स्ट है, जितनी भी लंबी स्ट्रिंग है, ठीक है, वो आपकी रैप होके आपकी स्क्रीन पर फिट हो जाएगी। और वापस से अगर आप अनरैप कर दोगे, मतलब वापस से क्लिक करोगे, तो वो अनरैप हो जाएगी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस मेनू पर एक चेक हो जाता है, ठीक है, यानी कि इस मेन्यू आइटम के साथ हमें एक चेक बॉक्स मिल जाता है। क्योंकि इस मेन्यू आइटम के साथ हमें चेक बॉक्स मिल जाता है, इसलिए हम इसे चेक बॉक्स मेन्यू आइटम कहते हैं। और इसी तरह का प्रोग्राम जैसा इसमें है, इसी तरह का प्रोग्राम हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपने मिस किया तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इस तरह का प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। देखिए, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं नेटविस में। तो चलिए सबसे पहले एक न्यू क्लास ले लेते हैं, न्यू जावा क्लास। क्लास का नेम दे देते हैं मैं जे चेक बॉक्स मेनू एग्जाम्पल। ओके, मेन मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू कीवर्ड की मदद से। ओके, चलिए अभी इसका कंस्ट्रक्टर भी बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसे एक्सटेंड कर देता हूँ जे फ्रेम से। ओके, अभी मुझे जे फ्रेम को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। चलिए जे फ्रेम, सॉरी, जे फ्रेम की बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, यानी कि सेट साइज कर देता हूँ 400,400। ओके, इसी तरह से सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, एग्जिट ऑन क्लोज, इसी तरह से सेट विजिबल ट्रू एंड सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल। ओके, चलिए आइए क्या करते हैं, इसमें एक मेन्यू बार को ऐड करते हैं। तो मेन्यू बार को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, एक जे मेन्यू बार बना लेंगे। जे मेन्यू बार इक्वल टू न्यू जे मेन्यू बार। ओके, और इसे ऐड कर देंगे हम। सबसे पहले तो इसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट, और इसे ऐड कर देंगे फ्रेम में। और फ्रेम में ऐड करने के लिए, फ्रेम में ऐड करते वक्त हमें इसकी लोकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी फ्रेम में क्या है कि बॉर्डर लेआउट सेट है। तो बॉर्डर लेआउट में हम हमारे पास क्योंकि पांच लोकेशन मिलती हैं, तो यानी लेफ्ट में और राइट में और पेज में, पेज स्टार्ट, पेज एंड में, ठीक है, और एक सेंटर में। तो इसे मैं टॉप में सेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो कंपोनेंट यानी कि मेन्यू बार, और इसकी लोकेशन यानी कि बॉर्डर लेआउट डॉट पेज स्टार्ट। ओके, चलिए, और इसे रिफ्रेश कर देता हूँ फ्रेम को वैलिडेट मेथड से। ठीक है, चलिए, हाई मैं इसे रन करता हूँ।
तो आप देखेंगे कि अभी हमें कोई मेन्यूज शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो मेन्यूज शो होंगे जब हम इसमें मेन्यूज को ऐड करेंगे मेन्यू बार में। अभी मेन्यू बार में कोई मेन्यू ऐड नहीं किए, तो उसके लिए हम मेन्यूज बना लेते हैं जे मेन्यू, जैसे कि फाइल इक्वल टू न्यू फाइल न्यू जे मेन्यू फाइल, इसी तरह से एडिट फॉर्मेट, सॉरी फॉर्मेट एडिट और फॉर्मेट, अभी मुझे जे मेन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी तीनों मेन्यूज़ तो बन गए, लेकिन अभी ये मेन्यूज़ को मैंने मेन्यू बार में ऐड नहीं किया है, तो मेन्यू बार में ऐड कर लेते हैं। मेन्यू बार डॉट ऐड फाइल एडिट फॉर्मेट, ओके। अभी मैं इसे राइट क्लिक करके रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मुझे एक मेन्यू बार हमारे फ्रेम में मिलेगा, ठीक है, इस तरह का ये रहा। लेकिन अभी इसमें मैंने मेनू आइटम ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। जैसे फाइल के अंदर ओपन सेव न्यू करके आता है, ठीक है, एडिट के अंदर रीडू अनडू करके आता है, और फॉर्मेट के अंदर वर्ड रैप, तो वो हम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कुछ मेनूज़ यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे कि जे मेन्यू आइटम। मैं फाइल के लिए कर देता हूँ न्यू, मेन्यू आइटम, ठीक है, यानी कि इसको मैं यहीं डिक्लेयर कर देता हूँ। जैसे मैं फाइल में ऐड कर देता हूँ, फाइल डॉट ऐड न्यू, इसका नेम देना पड़ेगा मुझे, यहीं ऐड कर देता हूँ जे मेन्यू आइटम न्यू फाइल इक्वल टू न्यू जे मेन्यू आइटम, और इसका नेम दे देंगे हम न्यू, ओके। इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरा मेन्यू आइटम होगा हमारा जे मेन्यू आइटम, ओपन इक्वल टू न्यू जे मेन्यू आइटम ओपन, ठीक है। इसी तरह से एडिट में हम कर लेते हैं, एडिट के लिए अंडू रीडू, अंडू रीडू, ओके। इसी तरह से फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेट के लिए लेकिन मुझे जे चेकबॉक्स मेनू आइटम चाहिए, तो जे चेकबॉक्स मेनू आइटम, ओके, इसे हम लिख देते हैं चेक, चेक मेनू आइटम इक्वल टू न्यू जे चेकबॉक्स मेनू आइटम, और इससे मैं लिख देता हूँ वर्ड रैप, ओके। चलिए अब मुझे इन चेकबॉक्स मेनू आइटम, जितने भी मतलब मेनू आइटम बनाए हैं मैंने, अभी इन मेनूज़ में ऐड करने हैं। तो फाइल में ऐड करते हैं, फाइल डॉट ऐड न्यू फाइल, ओके, फाइल डॉट ऐड ओपन, इसी तरह से एडिट में ऐड करते हैं, एडिट डॉट ऐड अंडू, और एडिट डॉट ऐड रीडू। इसी तरह से फॉर्मेट में ऐड करता हूँ, फॉर्मेट डॉट ऐड चेकबॉक्स मेनू आइटम, ठीक है, चेक मेनू आइटम, ओके। तो चलिए, और इसमें क्योंकि मुझे एक कंटेंट लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया भी चाहिए, तो टेक्स्ट एरिया भी ले लेते हैं, जे टेक्स्ट एरिया टी ए इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया,
और टेक्स्ट एरिया के अंदर मुझे कुछ कंटेंट भी चाहिए, तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कंटेंट को डबल कोट्स के अंदर। ओके, टेक्स्ट एरिया को इंपोर्ट कर लेता हूँ। चलिए अब इसे रन करके देख लेते हैं। ओके, तो अभी इस तरह का आ रहा है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया है कि टेक्स्ट एरिया के ऑब्जेक्ट तो बना लिया है, लेकिन टेक्स्ट एरिया को इसमें ऐड नहीं किया है, तो टेक्स्ट एरिया को इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, फ्रेम में सो ऐड टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया को कहाँ ऐड करेंगे वो भी हम लिख देते हैं, बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर। ओके, चलिए रन करते हैं। ओके, तो इस तरह के हमारे पास बन गया आ गया है प्रोग्राम, जिसमें फाइल पर क्लिक करने से दो हमारे पास मेनू आइटम है, एडिट में दो मेनू आइटम है, और फॉर्मेट में हमारा वर्ड रैप है जिसमें हमें एक चेकबॉक्स मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि ये चेकबॉक्स मेनू आइटम है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस चेकबॉक्स मेनू आइटम पर क्लिक करूँ, तो ये जो मेरे टेक्स्ट एरिया में कंटेंट है, टेक्स्ट एरिया में एक स्ट्रिंग है, ये रैप होके इसी मेरी स्क्रीन पर फिट हो जाए। ठीक है, जैसे इस पे टिक हुआ है। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस जो मेरा मेन्यू आइटम है, इसके साथ एक्शन लिसनर को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसके साथ एक्शन लिसनर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, एनोनस क्लास का यूज़ करूँगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, वर्ड रैप ये रहा चेकबॉक्स, तो चेकबॉक्स मेनू आइटम डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और यहाँ मैं न्यू एक्शन लिसनर का एनोनिमस ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा। तो न्यू एक्शन लिसनर और यहाँ पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट ई। ओके, चलिए अभी हम इन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए, तो ये मेरा एक्शन लिसनर भी ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मतलब उस मेन्यू आइटम पे क्लिक हो, तो मुझे क्या करना है, कुछ टास्क परफॉर्म कराने हैं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि जो मेरा मेन्यू आइटम है वो, ठीक है, वो सिलेक्टेड है या अनसिलेक्टेड है, तो ये देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, इफ चेक मेन्यू आइटम डॉट इज सिलेक्टेड, अगर ये जो हमारा चेक बॉक्स है उस पर चेक हुआ है, मतलब वो सिलेक्टेड है। अगर सिलेक्टेड है तो मुझे वर्ड रैप करना है। ठीक है, यानी कि टी ए डॉट सेट लाइन रैप ट्रू। ठीक है, टी ए डॉट सेट रैप स्टाइल वर्ड ट्रू। ओके, एल्स अगर सिलेक्टेड नहीं है तो क्या करना है, फॉल्स। ओके, इतना काम मुझे करना है। तो चलिए अभी इसे राइट क्लिक करके रन करता हूँ। और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं वर्ड रैप पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी स्ट्रिंग थी जो कट रही थी बीच में से, वो अभी क्या हुआ है, इस पर क्लिक करने से, वर्ड रैप पर क्लिक करने से रैप होकर जो हमारा फ्रेम है उसमें फिट हो गई है टेक्स्ट एरिया में। ठीक है, अभी मैं इस पे दोबारा से क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि वापस से वो अनरैप हो गई। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और चेकबॉक्स की जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं इस तरह के नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसको देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।